अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एन स्टूडियो की तरफ से मैं हूँ मोहम्मद अफजाल। तो उम्मीद है कि आपने पहले मेरे ट्यूटोरियल देखे होंगे, उसके साथ साथ ही मैं आपको एक न्यू ट्यूटोरियल बताता हूँ। उसमें कैमरा रॉ यूज़ करना और मज़ीद सेटिंग बताऊँगा। सबसे पहले हम एडोब सीसी खोलते हैं, ओपन करते हैं। उसके बाद जो भी पिक्चर आपने बनानी हो, जो फ़ोटो आपने बनानी हो, यहाँ से फाइल ओपन, जहाँ पे भी आपने रखा है सिलेक्ट करनी है आपने, जिस फोल्डर में भी हो आपकी पिक्चर। मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो मैं डेस्कटॉप पे ही जाऊँगा। इस पर डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिल्टर में चले जाएं, कैमरा रहा। सबसे पहले मैं हाइलाइट्स कम करता हूँ, ये हाइलाइट ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। उसके बाद क्लियरिटी है, उसको बढ़ा दें जितना आप रखना चाहें। तो ये कलर है, वाइब्रेंस, सेचुरेशन। उसके बाद फेस थोड़ा ओवर लग रहा है, यहाँ पे चले जाएंगे। ये भी कलर है ऑरेंज, ये फेस का कलर होता है ऑरेंज। इसको जितना आप रखना चाहें जहाँ पे आपको ठीक लग रहा हो। रेड थोड़ा बढ़ा दिया, ग्रीन, मतलब आपकी पिक्चर अगर आउटडोर की हो तो आप ग्रीन फुल कर देंगे। येलो नॉर्मल रखना जितना चाहिए, ब्लू भी नॉर्मल। इसके शर्ट का पर्पल और मजेंडा आ रहा है कलर, तो इसे भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये लाइट्स हैं, इसके हाईलाइट थोड़ा बढ़ाओ, लाइट्स, डार्क्स, शेडोज थोड़ा कम कर देते हैं, ये पॉइंट्स। ये तस्वीर सेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे डिटेल में, यहाँ से शार्पन अमाउंट आप थोड़ी बढ़ा देंगे ये चीज़ें। उसके बाद ये इसका फिल्टर होता है नॉइज़ रेडिएशन, इसमें इसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो नॉइज़ कम हो जाएंगे फेस के। पिक्चर रेडी है, ओके। ये आप पिक्चर एडोब सीसी में आ गई। सबसे पहले कंट्रोल जे कर लें, यहाँ पे कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ आ जाए मजेंडा, सॉरी समाइज टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये सेटिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है। ये आपके पास 100 पे होगी विंडोज़, यहाँ पर बुरश हैं। अगर आप 5 पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ओपन हो जाएगा बुरश। ये आपके पास एक ये क्लिक किया होगा, अगर ट्रांसफ़र ये चीज़ें क्लियर है, और स्पेसिंग भी सिलेक्ट हो गया होगा तो आपने स्पेसिंग भी हर चीज़ अनसेलेक्ट कर देनी है। हार्डनेस है जो है 50 पे या 45 पे रख लें, तो बस समय टूल रेडी है। ये साइज़ है जितना भी रखना चाहें आप, जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद इसे लेफ्ट क्लिक से पकड़ के घुमाते जाएंगे, इस तरह फेस क्लियर होता जाएगा। फेस क्लियर होता जा रहा है, दाग वगैरह, दाग धब्बे जो भी हैं वो सब क्लियर हो रहे हैं।
सिर्फ हमने लेफ़्ट क्लिक से दबा के घुमाते जाना है इसको, लेफ़्ट क्लिक पकड़ लेना है और घुमाते जाए। ऐसे इसके ट्यूटोरियल तो बहुत होंगे लेकिन उर्दू में बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए मैंने ये अपना चैनल बनाया न्यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मज़ीद और ट्यूटोरियल मिलेंगे इसके, एडोब सीसी के हो गए, इंडोर फोटोशूट, डार्क नाइट वाले पिक्चर होती हैं जो, सॉरी मैंने ऐसे निकाल, शॉर्टकट में निकाल लिया था, इमेज एडजस्टमेंट सिलेक्टिव कलर, तो यहाँ पर रेड वाली जगह पर क्लिक करें, रेड पे ब्लैक ये देख लें, जहाँ पर आपने रखना हो जी ऐसे 3+ रखूँगा, नेचुरल कर लें, नेचुरल 6+ कर रहा हूँ मैं। जो गहराई वाली जगह है उसको ज़रा जूम कर लें, जूम करके स्क्वायर है ना बुरश है, इसको छोटा कर लें, फुल साइज छोटा। अगर कोई गलत हो रहा है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड से आप बैक कर सकते हैं, Alt Control Z होता है, कोई भी चीज़ गलत हो गई है अगर एडोब में, फोटोशॉप है या एडोब सीसी, एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर होगा फोटो वाला, तो उसको Alt Control Z से ही बैक होगी। सॉरी मैं यहाँ से निकालूँगा, इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, लेवल यहाँ से थोड़ा कम कर लें, उसके बाद ये मैजिक टूल है, मैजिक टूल ला के यहाँ पे छोड़ना है आपने, और उसके बाद ये वाला टूल उठाना है, Alt प्लस करके Alt दबा के, तो ये जो है ना इनसाइड है, मतलब पिक्चर के ऊपर जो चढ़ रही हैं लाइनें हो गई, इसको अनसेलेक्ट कर देना है, सिर्फ बाहर वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट रहना चाहिए। मैं यहाँ पे बादल लगाऊंगा, मतलब ब्लू स्काई या डार्क ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू स्काई हो गया, ये सिलेक्ट होने के बाद रिफाइन एज, सॉरी इसको कैंसिल है, कंट्रोल शिफ्ट आई से आपको ये पिक्चर होगी वो सिलेक्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे 5.5 दे रहा हूँ, ये पिक्चर के साइज़ के हिसाब से होता है, अगर आपके पास साइज पिक्चर का, आपकी पिक्चर का साइज़ छोटा है तो आप उसे कम रखेंगे, 3.0 कर लें, 3.3 कर लें, वो पिक्चर के साइज़ के हिसाब से। ये जो है ना
हेयर के अंदर से भी जो बैकग्राउंड होगा ब्लू कलर का वो भी निकल जाएगा इसमें से, बाल हैं वो भी अलग हो जाएंगे। ओके कर रहा हूँ ऐसे, कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो, ये ओरिजिनल साइज में आगे पिक्चर, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से ये होगा कि वो लेयर आपकी कॉपी हो गई, अलग हो गई है। उसके बाद आपने जो भी जहाँ भी बैकग्राउंड रखा हो, मतलब स्काई वाला जो होता है, मेरे पास ये बड़े हैं, सबसे पहले मैं इसे देख रहा हूँ कि कौन सा सूट करेगा इसे। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं ये, रिट्राइज लेयर, ये पिक्चर को ऊपर कर दें बगल के, ये स्काई लग गए हैं। इसको थोड़ा सॉरी इमेज एडजस्टमेंट लेवल में जाके थोड़ा ना लाइट इसकी बढ़ा दें, इससे ओरिजिनल ओरिजिनल हो जाएंगे बैकग्राउंड। और इसकी थोड़ी लाइट बढ़ा दें, इमेज एडजस्टमेंट लेवल बढ़ गई, ओके। और उसके बाद ये लाइट्स डालनी है यहाँ पे, कलर ये रखे हम, ओके लाइट्स ये अभी यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, वही रिट्राइज लेयर, इसको ऊपर ले आए उस लेयर के सबसे ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, स्क्रीन फिल्टर ब्लर, ये वाला गॉसियन ब्लर, जितना ज़रूरत हो उतना ही ब्लर लगेगा, ब्लर लगा लें। ओके अभी भी ठीक से नहीं लगा ब्लर, ये ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इमेज एडजस्टमेंट लेवल, इसको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा कम कर दें, ओके इमेज एडजस्टमेंट मम्मी कर गया, सैचुरेशन बस, जो कलर भी आपको अच्छा लगे वही लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कलर भी अच्छा लगे वही लगा सकते हैं, ये ठीक रहेगा। एडजस्टमेंट उसके बाद है, फिर लेवल में जा रहा हूँ मैं, ओके तो ये तस्वीर रेडी हो गई। उसके बाद आपने सेव कर देनी है जहाँ भी रखनी हो, फाइल सेव एज जेपीजी, जेपीजी
मतलब कोई भी रीनेम जो भी देना चाहें आप।